देवास जिला योजना समिति की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को प्रोटोकॉल के अनुसार समिति में सम्मानजनक जगह नहीं मिली थी। उसके बाद जब प्रभारी मंत्री ने सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को शांत कर योजना बैठक शुरू की, बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने देवास के अतिक्रमण मुहिम पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेसी अध्यक्ष की गंगा इंडस्ट्री पर सवाल उठाए, जहां उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इन पर क्यों नहीं कोई कार्यवाही होती। उस पर से जवाब देते हुए शहर अध्यक्ष मनोज राजानी ने सांसद पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना चालू कर दिया। उस पर से जीतू पटवारी ने कहा कि सांसद ने मेरा अपमान किया है, उसका जवाब दिया जाएगा। और मनोज राजानी ने और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी में बहसबाजी हुई। मनोज राजानी तब उग्र हो गए जब सांसद ने उनकी फैक्ट्री का नाम लिया, तब दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। जैसे ही विधायक और सांसद बाहर आए तो कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए, सांसद के खिलाफ नारे लगाए, उनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। सांसद जी आपने इंडस्ट्री की जांच करवाई? जिला के मत बात करो, आप जैसा मेरे को जिला सांसद जी, हमारा अध्यक्ष का अपमान नहीं होगा, ये सर निकाल अगर हमारी समझ इतनी कम है, सांसद बनना मोदी जी की लहर में बन गए, पर अपना व्यक्तित्व ये प्रमाण पत्र आपको देने के बाद जनता ने मुझे चुना, जनता का ये तरीका, इनको जरा सामान्य ज्ञान आप पार्टी में, आप सामान्य ज्ञान आपके आगे बाहर कर सकता हूँ, सांसद हूँ, सांसद है तो आप देवास की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ हूँ, आवाज हुए सांसद जनप्रतिनिधि है, उसने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया है, इसका सबक कोई अपमान सही समय पे इसको सिखाना है, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और ये जवाब अपमान कर रहे हैं, चलो देवास शाजापुर लोकसभा के 18 लाख मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने मुझे चुना है। अब इनको सबको बाहर कर दो, मीडिया हो गया तुम्हारा। अरे अर्चना, अरे ये मंत्री है, देखो आप सांसद को बोल रहे हैं सब बाहर कर, ये बाहर चलो, एक फ्रैगिंग की कोशिश कर रहा है, आपको मालूम नहीं कितनी कितना खुला है हमें देवास की जनता में, आप तो 3 महीने में एक बार औपचारिक मीटिंग लेने आ जाते हैं बस। एक ही नहीं है, बहुत अच्छी बढ़िया। मैंने आप लोगों की जिला योजना की मीटिंग थी, हमारे सांसद महोदय कुछ मिनट लेट आए, जैसे ही आए उन्होंने कहा कि उनके बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष के पास होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि का अपना अपेक्षा हो सकता है। हम जितने जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता चुन के भेजती है, वो जनता के वोट से चुन के बड़ा बनता है, एक जगह पहुंचता है, उस पद की एक मर्यादा वो सबको रखना है, वो एज ए मंत्री मुझे रखना है, एज ए विधायक विधायकों को रखना है, एज ए सांसद सांसद को रखना है। मेरा मानना है कि सारे जनप्रतिनिधियों को ऐसा कार्य व्यवहार अपनी बात रखने का होना चाहिए, इसमें थोड़ी सांसद जी में इस विचार की कमी दिखी। लगातार 3 मीटिंगों में हर बार की तरह विवाद करना और मुद्दों पर बात नहीं करना, मैं मानता हूं कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं है। मेरा आग्रह आपके माध्यम से उनसे, सांसद महोदय से, कि आप अब व्यक्ति नहीं हो, आप पूरे लोकसभा के एक एक वोट देने वाले चुने हुए आपको चुन के भेजा उसकी आवाज हो, तो आपका कार्य व्यवहार, आपकी शैली, आपकी भाषा, आपका काम करने का तरीका उन लोगों का सम्मान या अपमान करता है।
मैं मानता हूं कि सांसद महोदय आज की घटना के बाद हमने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि हर सदन की एक मर्यादा हो, वो चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला योजना की में एक एडवाइजरी सारे सदस्यों को मिलेगी। यहाँ जब अंदर बैठता है सदस्य जो नियम और कानून से बंधा हुआ होता है, वो चाहे जनपद सदस्य हो, पार्षद हो या जिला पंचायत का सदस्य, वो सारे सांसद या विधायकों के समतुल्य होता, कोई उससे नीचे या ऊंचे नहीं होता, सदन में सब एक जैसे। तो मैं मानता हूँ कि इसकी पालना हम सबको करनी चाहिए, सांसद जिसे भी अपेक्षा है उनको। आज हुआ क्या था सर, मामला क्या था, ये बताइए। अपमान किया उन्होंने, काले झंडे दिखाए गए सांसद। मैंने ये कहा कि विधायक जी जिस तरीके से तू करेगा बार बार, सांसद जी बार बार इस तरीके से भाषा बोल रहे थे, हाथ और उंगली दिखा रहे थे, वीडियो में आप लोगों के आ गया होगा। तो मैंने कहा कि इस पद की गरिमा होती है, तो फिर उन्होंने जो वक्तव्य दिए उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये ऐसी भाषा बोलना किसी पद के लिए नहीं होता है, आप इसकी अपेक्षा आपसे नहीं थी, आप जज की भूमिका से ही आए हैं। पर मेरा मानना है कि ये जनता देख रही और जनता हमारा सांसद कैसा, ये तो अधिकार है जनता का, हमारा सांसद कैसा हो वो जनता ने देखा कि हमारा सांसद ऐसा है। तो मैं समझता हूँ हर जनता ने जिनने वोट दिया उनको भी दुख होगा, ये पार्टियों का मामला नहीं, ये पार्टी से ऊपर उठकर एक जनप्रतिनिधि के व्यवहार का मामला, और जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है, वो पार्टी के नहीं होते, वो समाज के होते, वो जनता के होते। ये पार्टी तब तक होती है जब तक चुनाव चलते, चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि जनता का, ये भावना सांसद महोदय में आनी चाहिए। सांसद जी को काले झंडे दिखाए गए।